रीवा महापौर अजय मिश्रा ने नगर निगम में अपने 4 माह के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। मिश्रा ने कहा कि मुख्य समस्या मीठे पानी की थी, जिसका डीपीआर बनवाकर 199 करोड़ की अमृत योजना के प्रस्ताव को तकनीकी समिति के लिए भेजा गया। वहीं इस दौरान मिश्रा ने रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला को भी निशाने पर लिया। रीवा महापौर अजय मिश्रा ने सड़क निर्माण, नाली सीवरेज के साथ अनुपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा, विगत 20 वर्षों से 150 करोड़ से अधिक का पैसा पीने के पानी में खर्च हुआ है और रीवा के लोगों को आज भी दिन में 2 वक्त कुछ वार्ड में ही 30 मिनट मुश्किल से पानी मिल पाता है। महापौर ने कहा, एकल खिड़की का संचालन के साथ साथ 4 महीनों में जो निविदाएं की गई हैं, उतनी निविदाएं भाजपा शासनकाल में 23 वर्ष में नहीं निकाली। इस दौरान महापौर ने रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला के साथ भाजपा के पूर्व महापौर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने भूमि पूजन के नाम पर की जा रही फिजूल खर्ची पर भी तंज कसा। पीने का पानी 199 करोड़ की योजना का डीपीआर हम लोगों ने तैयार करवाया और पहली एमआईसी की बैठक में हमने उसको पास करवाया। अमृत 2.0 के तहत हमें 90 करोड़ रुपए मिले थे, जो रीवा शहर के लिए पर्याप्त नहीं थे। उससे हमारे रीवा की जनता को भरपूर पानी न मिल पाता, तो हमने वो उसके लिए ऊपर तक बातें की और अंतिम में स्टेट लेवल टेक्निकल कमेटी ने हमारे बातों का मान रख के 158 करोड़ की योजना स्वीकृत की। हम उन्हें आपके माध्यम से धन्यवाद भी दे रहे हैं। विगत 15 वर्षों में रीवा में 150 करोड़ से ऊपर पानी पे व्यय हुआ। रीवा के वर्तमान विधायक श्री राजेंद्र शुक्ला जी 15 साल एक झुंझुना लेकर रीवा की सम्मानित जनता को ठगते रहे कि हम मीठा पानी दे रहे हैं। 4 महीने में किया, उसको प्रस्तुत कर दिया और आप लोग यहाँ 7 टाइम में पधारे। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।